हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशु गोला और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने Redmi Note 4 में MIUI 9 को अपडेट कैसे कर सकते हैं। आज ही MIUI 9 में सबके फ़ोन में अपडेट आ गई है MIUI 9 की, जैसे कि आप अपने Redmi Note 4 में चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इसको इंस्टॉल करके बताऊंगा कि ये अपडेट सेफ है या नहीं, इसमें कोई बग है या नहीं। तो मैं आपको इसको अपडेट करके बताता हूँ। आपको ये जो है ROM OTA की, इसको डाउनलोड करनी है और रिबूट नाउ पर क्लिक करना है। सिंपल, ये आपका फ़ोन रिबूट होएगा, कुछ प्रोसेस होएगा, 10 मिनट लगाएगा, 10 से 15 मिनट लगाएगा ये आपके फ़ोन को करने के लिए। तो इसको अपडेट होने देते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखी थी, तो मेरा फ़ोन आपको जल्दी दिखा होगा अपडेट होने के लिए। तो ये मेरा फ़ोन भी उसी टाइम में अपडेट हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, कुछ थोड़ी झलक दिखाऊंगा। और बाकी नए फीचर्स के लिए मैं कल एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके टॉप 5 फीचर्स हैं MIUI 9 के जो स्टेबल रोम में है, वो सारे मैं आपको कल बताऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है ये सारी चीज़ें। इससे पहले मैं आपको इसका वर्ज़न दिखा देता हूँ MIUI 9 की। ये 8.5 था पहले, अब देखते हैं MIUI 9 हुआ है कि नहीं। तो आपको नीचे में अबाउट सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट सेक्शन नीचे एक और कोई टैब आ गई है फीडबैक की, वो अलग से बना दिया शायद इन्होंने। अब अबाउट में जाके आप देखेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, यहाँ देखेंगे MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल लिखा हुआ है। तो मतलब ये रोम मेरे फ़ोन में अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गई है बिल्कुल। ये 9.0.3.0 MIUI वर्ज़न इसका आ गया है। तो मतलब सक्सेसफुली ये इसके अंदर अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गई है OTA। तो इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, सब लोगों को मिल गई है। मैं आपको चेक कर बताता हूँ कोई और अपडेट तो नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक लाइटनिंग फास्ट का सिंबल आ रहा है, मतलब MIUI 9 का सिंबल है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द Redmi Note 4 यूजर्स। अब देख सकते हैं अभी भी चेकिंग आ रहा है नो अपडेट अवेलेबल, मतलब आगे कोई अपडेट नहीं है। तो अभी ये इतनी मुश्किल से दिया, पता नहीं आगे कौन सी देंगे। चलिए देखते हैं, इस रोम को चेक करते हैं कैसे। यहाँ कुछ लिखा आ रहा है, अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली, ओके थैंक यू कर दी इन्होंने। टैप हेयर टू इन्फो, यहाँ देखते हैं टैप करके। अच्छा, ये सारे चेंजेस इसमें दिखाई दे रहे हैं कुछ। इसके अंदर एक नया फीचर आए हैं कई सारे, एक स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आया है, मतलब एक ही टैब में दो स्क्रीन चला सकते हो। ये सारे फीचर्स मैं आपको कल की एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ कुछ एनिमेशन देखिए आप ऐप का। जैसे मैंने खोला, अब देखिए मैं कैमरा खोलता हूँ, अब बंद करूँगा तो इसकी एनिमेशन देखिए। तो देखिए, देखा ये कैमरा का आइकन का एनिमेशन ये नए लाए हैं MIUI 9 में। तो ये आपको देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए कैसे एक एनिमेट हो रहा है ये खोलते हुए। इसको भी खोल के देखते हैं ब्राउज़र पर में कैसे आता है। तो देखते हैं, अरे ये देखिए, वाओ। सो इसके और भी बहुत सारे फीचर्स आए हैं इसके अंदर, जिसका वीडियो मैं एक कल बनाऊंगा। तो आप मेरी कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा।